नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, सितंबर के 7 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। मंगोलान की जनता बहुत खुश है। काफ़ी सालों से, लगभग 30 सालों से यहाँ पर एक ख़राब, एक टूटा हुआ रास्ता में लोग रहते रहते थक गए थे, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि रास्ता लोग बना दिए हैं, सरकार रास्ता बना दिए है, पूरा पक्का का रास्ता हो गया है। अभी हाल ही में यह रास्ता असफलतेर हुआ है और यह रास्ता भी और चौड़ा लोग कर दिए है। यहाँ पर लोकपादन बनाया गया है और रियोलेयरिंग बंद किया गया है। एक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट जो था, लगभग 5 साल लगा है ये रास्ता बनाने के लिए। मिनिस्टर विजय छोटकन जो है ओपन बार वर्कन का मिनिस्टर, बीते हुए शनिचर को काफ़ी जनता के साथ मिलकर यहाँ पर इसका इनखबरक नाम किए है, मतलब रास्ता खोला गया है। मरम्मत करने के बाद मंगोलान फिर से खोला गया है जनता के लिए और वहाँ का जनता काफ़ी खुश है। पतंग उड़ाना, इसमें काफ़ी मज़ा आता है, न सिर्फ बच्चों को लेकिन बड़ों को भी काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि बड़े लोग भी पतंग उड़ाते हैं। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है, ख़ासतौर पर जब पतंग उड़ाया जाता है होक्सपानिंग्स विद्रादिंगन और ट्रांसमेसी लेनन के करीब, ये कितना खतरनाक हो सकता है शायद लोगों को इसका कोई जानकारी नहीं है। ये इतना ख़तरनाक है कि अगर पतंग आपका जो है ये होक्सपानिंग्स लेन या ट्रांसमेसी लेन में ABS का जाकर फंस जाए तो इससे आपका जान का काफ़ी खतरा है और आपको स्ट्रोम यानी ये झटका लग सकता है। ये आपके जान के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। पुराना डायरेक्टर जो है मिनिस्ट्री फन ओपन बार वर्कन का धर्म मुंगरा हमसे बताई है, हमें ये जानकारी दिए है कि लोगों को इस पर गौर करना चाहिए कि ये ट्रांसमेसी लेन जो है फिर तक 200 से लेकर 100,000 फॉल्ट स्ट्रोम इसमें रहता है। और पतंग जो है ये एक अच्छा खलाइदर है, इससे जो लोग पतंग उड़ाते हैं अगर आपका ये पतंग जाकर ये ट्रांसमेसी लाइन में फंस जाए तो इससे आपको झटका लग सकता है, स्ट्रोम का झटका आपको लग सकता है। और इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि यह काफ़ी ख़तरनाक है, इस पर आपको गौर करना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपके जान का ख़तरा है लेकिन ABS का काफ़ी नुकसान ही होता है और जनता जो आसपास में रहती है इन लोगों के कितने देर तक, घंटों तक स्ट्रोम यानी बिजली नहीं रहता है अगर ऐसा एक्सप्लोरिंग होता है। दो स्त्रियां, ये सब एक टैक्सी शोफ़ेर पर हमला किए हैं शनिचर के शाम को, 31 तारीख, अगस्त के 31 तारीख को। ये हुआ है कंपोंग लान पारामारिबो। ये सब अब तक के पुलिस के खोजबीन से यह पता चला है कि ये दोनों औरतों जो है ये टैक्सी का मांग किए हैं और टैक्सी शोफ़ेर से कहा है इन लोगों को कंपोंग लान ले जाने के लिए। वहाँ पर जब पहुँचे हैं तो एक स्त्री जो है एक चाकू निकाला है और ये चाकू के साथ दूसरा के पास एक फर्स्ट फ्यूर वापन था। दोनों ये टैक्सी शोफ़ेर को धमकी दिए है, इनके पास कुछ पैसे थे और इनका सख्त टेलीफोन जो है इस टैक्सी शोफ़ेर के पास लोग चोरी किए हैं, लेकर वहाँ से फरार है, लोग भाग गए हैं। पुलिस इस मामले में खोजबीन कर रहा है। काफ़ी गर्मी का मौसम है, ये आप तो भी महसूस किए हैं सूरीनाम देश में। ये झोरा का मौसम, गर्मी का मौसम है, लेकिन अभी तक सूरीनाम देश में हम हेतो खौलफ की बात नहीं कर सकते हैं। हेतो खौलफ की बात तब होता है जब टेम्परेचर जो है सेसन देर तक खराद या सेसन देर तक खराद से ज़्यादा रहता है और ये है 5 दिन लगातार। अभी तक लोग यहाँ पर जो मीटिंग किए हैं तो इससे पता चला है कि टेम्परेचर जो है ये 34 डिग्री सेल्सियस है। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ महीने पहले लोगों को सावधान कर चुके थे कि खुयानास में और इसमें भी सूरीनाम है यहाँ पर काफ़ी गर्मी होने वाले है, हेतो खौलफ आने वाले है, लेकिन अभी तक हेतो खौलफ की बात हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर हेतो खौलफ के लिए 37 डिग्री या इससे ज़्यादा होना चाहिए 5 दिन लगातार और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस एक 26 साल का आदमी हारून आ को गिरफ्तार की है। 29 तारीख को परानाम का पुलिस इन्हें गिरफ्तार किए है बलात्कारी और चोरी के इल्ज़ाम में। एक स्त्री जो है, नौजवान स्त्री जो है, सोमवार 19 तारीख को ये पुलिस के पास रिपोर्ट करवाई है कि इनके साथ बलात्कारी हुआ है और चोरी हुआ है इनके
मोबाइल टेलीफोन जो है ये चोरी हुआ है। खोजबीन के बाद पुलिस हारून आ को गिरफ्तार किए है। ये स्त्री जो है ये अपने बयान में बताई है कि ये इनके बस में बैठे हैं इलाका पारा में शहर आने के लिए। जब बस में ये गए हैं तो और यात्रियों मौजूद थे, लेकिन सफ़र के दौरान ये सो गए थे और जब इनकी आंख खुली तो ये पता चला कि कहीं आसपास जंगल में बस रुका हुआ था और हारून आ जो है बस में कोई नहीं था और सिर्फ इनके अलावा और हारून आ के अलावा। हारून आ ने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किए है और इसमें कामयाब भी हुए हैं। इनके बलात्कारी किए हैं और इनके सख्त टेलीफोन लेकर इन्हें बस से बाहर कर दिए हैं और वहां से भाग गए हैं। खोजबीन के बाद पुलिस इस बस शोफेयर को गिरफ्तार कर चुके हैं। चीनीस ट्रॉलर्स ये जहाज़ जो है चाइनीज लोगों का 6 मिलाकर थे, इसके बारे में काफ़ी चर्चा कई दिनों से हो रहे हैं। ये सुरीनाम देश के पानी में पिछले साल नवंबर 2018 से जो मौजूद थे। मंगल के सुबह लगभग 4 बजे लोग यहाँ से चले गए हैं और ये हुआ है कुस्तवाख के निगरानी में। कुस्तवाख का डायरेक्टर कॉलोनल जेरी स्लैन खार जो है ये जानकारी हमें दिए है कि ऐसा हो चुका है। जैसे हम पेशतर आपको बता चुके थे तो एनफेरोस नेशनल फिशरीज जुलाई के 25 तारीख के सब कोर्ट खदिंग जो सरकार पर चलाए थे, ये कोर्ट खदिंग रॉस नेशनल फिशरीज जो है ये हार गए हैं। मतलब ये है कि सरकार के फ़ायदे में जज ने फैसला सुनाया है और इन जहाज़ों को यहाँ से जाना था। ये सब नहीं जा रहे थे जब इन लोगों को ये एक ख़त के ज़रिए कहा गया है कि रख्त लगबफेल के मुताबिक इन लोगों को जाना चाहिए। तो ये जहाज़ के लोग जो है ये सब कुछ मुहूर्त का मांग की है अपना यहाँ पर काम काज जो है ख़त्म करने के लिए और उसके बाद लोग यहाँ से जाने वाले थे। तो इजाज़त इन लोगों को मिला है पीही से बातचीत करने के बाद इन लोगों को इजाज़त मिला था और अब ये पता चला है कि बीते हुए मंगल के सुबह में ये सब सुरीनाम देश से चले गए हैं। बीफी के शाम को एक हादसा हुआ है इलाका पारा में। 34 साल का इन दियावती इनके देहांत इस हादसे से हो गया है। ये अपने काम पर जा रही थी, इनके साथ एक और स्त्री गाड़ी में मौजूद था। हो सकता है रास्ता ख़राब था और ये कंट्रोल खो दिए है, जाकर नली में ये गाड़ी जो है गिर गया है और इस स्त्री जो है इन दियावती इनके देहांत हो गया है। वैसे मेद इंसिडेंट जो स्त्री इनके साथ भी गाड़ी में मौजूद थी, इनको कुछ नहीं हुआ है। ये अपने बयान में बताइए कि क्या हुआ है। ये इन दियावती जो है ये इंडोनेशिया का है, इंडोनेशियन नेशनलिटी तहत इनके पास है और खोजबीन के बाद ये भी पता चला है कि इनके पास खैल्द रेबवेस नहीं था। ये फेफ तख्त फिरकेश दौद है इस साल 2019 के वास्ते। पुलिस जो है श्री गोबिंद स्त्रात जो है ये एक्साइज स्त्रात है वाखदा बे का इलाका वानिका में सुख के सुबह में लगभग 7 बजे एक लाश पाई है। श्री गोबिंद स्त्रात में ये वाखदा बे की गली में एक लाश पाई है एक आदमी का। इसमें एक स्कॉट वॉन्डिंग है, मतलब ये है कि इस पर गोली चलाया गया है। अभी तक नहीं पता है मामला क्या है और इसका आइडेंटिटी ये आदमी कौन है, ये पुलिस को ये जानकारी भी नहीं है। इस मामले में पुलिस खोजबीन कर रहा है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 250 किलोग्राम से ज़्यादा कोकाइन मिला है और 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं एक जहाज पर वेल्स इंग्लैंड में, और ये अगस्त के 28 तारीख 28 अगस्त को हुआ है। खोजबीन से पता चला है कि ये द्रोस जो है ये सुरीनाम से गई है, सुरीनाम से ये द्रोस लोग ले गए हैं अमतनारन बॉर्डर फोर्स का। ये सब जहाज पर जब गई खोजबीन के वास्ते ये है वेल्स में अगस्त के 27 तारीख 27 अगस्त को, तो लोग कुछ ऐसे इसमें पैकेट पाए हैं जिसमें एक सफ़ेद रंग का सामान था और खोजबीन के बाद पता चला है कि इसमें कोकाइन था जो जहाज में छुपाया गया है। फोरेंसिक अंदरसुख जो है जारी हो रहा है, लेकिन लोग ये बताए हैं कि ये कोकाइन जो है इसका स्त्रात वार्द है लगभग 20 मिलियन पौंड इसका स्त्रात वार्द है। और इन लोगों के ख्याल है कि हो सकता है न सिर्फ 250
किलोग्राम कोकाइन इसमें था, लेकिन लोग ये सोच रहे कि 750 किलोग्राम कोकाइन इस जहाज में मौजूद था। वहाँ पर दो आदमी गिरफ्तार हुए थे, जहाज में खुद दो आदमी गिरफ्तार हुए, 53 और 41 साल का, और बाद में 4 और लोग गिरफ्तार हुए, 3 आदमी 33 एलन 33 और 37 यार का और 31 यार का। इन लोगों को बाद में लोग गिरफ्तार किए हैं और बरख तख्त पर भी फिर इन लोगों को रिहा की गई है। इस मामले में इंग्लैंड में अभी तक खोजबीन हो रहा है। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।